हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपकी केवीएस की साइकोलॉजी सीरीज चली हुई है, उसी के अंदर आपका एक टॉपिक है, दैट इज़ प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि आप शिक्षण अधिगम के लिए कैसे चीज़ों को प्लान करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो। तो इसके अंदर आपका असेसमेंट का टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपको इवैल्यूएशन क्या होता है, मूल्यांकन जिसको बोलते हैं, एंड मेजरमेंट जिसको हम मापन बोलते हैं, और असेसमेंट, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको ऑलरेडी आपके जो प्लेलिस्ट है उसमें ऐड कर दिया है। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहां से जाइए और पहले इन तीनों के बीच में आपको क्या पढ़ना है, अच्छे से डिफरेंस पढ़ना है कि ये होते क्या हैं, एंड देन आप मूव करेंगे आज की वीडियो पे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग, ठीक है। तो इसको आज हम जो है अच्छे से समझेंगे, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सभी सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। पहला है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग को क्या बोला जाता है, सीखने का आकलन, ठीक है, सीखने का आकलन इसको बोलते हैं। फॉर लर्निंग को बोलते हैं, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगी, फॉर लर्निंग को बोलते हैं सीखने के लिए आकलन, और एज लर्निंग को बोलते हैं के रूप में आकलन, ठीक है, सीखने के रूप में आकलन, वो एज लर्निंग को बोलते हैं। तो ये हिंदी में बात हो गई है, कुछ बच्चे जो है कमेंट करते हैं हिंदी में भी बताया करो, तो हिंदी में मैं सारी चीज़ें बताती हूँ आपको, ठीक है, आप सुनो। सबसे पहले है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो एक एग्जांपल देती हूँ आपको, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा ना, स्कूल आप सभी लोग करके आए हैं, तो हमारे स्कूल में क्या होता है भाई, यूनिट टेस्ट होते हैं ना, पहले क्या होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, ठीक है, एक दो तीन चार जो भी यूनिट टेस्ट होते हैं, जिनको हम FA1, FA2, FA3 एंड FA4 बोलते हैं, ठीक है, ये आपके स्कूलों में होते हैं। एंड देन एंड में, जब मार्च में या फेब मार्च में आपका क्या होता है, एक लास्ट आपका एंड टर्म एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये जो आपका एंड टर्म एग्जाम है ना, ये आपका क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। और ये जो आपके पढ़ाई के दौरान जो आपके यूनिट टेस्ट छोटे छोटे चलते रहते हैं ना, ये आपके क्या है, ये आपके असेसमेंट फॉर लर्निंग है। इससे आप क्या समझे, इससे हम ये समझे कि जो हमारा एंड टर्म का एग्जाम है वो हमारा समेटिव असेसमेंट होता है, और जो हमारा ड्यूरिंग टीचिंग, ठीक है, ड्यूरिंग यानी कि शिक्षण अधिगम के दौरान जो असेसमेंट हो रहा है, वो हमारे क्या थे, यूनिट टेस्ट थे, जिनको हम FA बोलते हैं, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग को ऐसे समेटिव असेसमेंट बोला जाता है, और असेसमेंट फॉर लर्निंग को क्या बोला जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोला जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। समेटिव असेसमेंट को बोलते हैं योगात्मक आंकलन, और इसको बोलते हैं रचनात्मक आंकलन, ठीक है, हिंदी में भी आपको करवा रही हूँ, सो टेंशन नहीं लेना। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या होता है, हम लोग एंड में कराते हैं, जो कुछ भी चीज़ हमारे टीचिंग लर्निंग में है ना, उसके बिल्कुल एंड में जो हम लोग एग्जाम ले रहे हैं बच्चों का, वो हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आता है, जिसमें हम बच्चों को रैंक कर देते हैं उनकी अचीवमेंट के अकॉर्डिंग, कि भाई ये इस पोजिशन पर बच्चा आया है, इतने नंबर है, और इसने इसका जो है ये जो है क्या है, लेवल है क्लास के अंदर, ठीक है। तो वो क्या आता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंदर आता है। इसके अंदर फीडबैक यहाँ पे मायने नहीं रखता, कि बच्चे के अंदर क्या कमी है, बच्चे ने कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं सीखा, क्योंकि ये जो टेस्ट होता है ये प्रमोट करने के लिए होता है फ्रॉम वन ग्रेड टू अनदर ग्रेड, यानी कि अगर आप 8th क्लास में हैं तो आपको असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि SA के बाद आपको 9th क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। आपने 8th क्लास के दौरान क्या नहीं सीखा, अब उसको सुधारने का आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी यहां पे प्रमोट कर दिया गया है, ठीक है। तो फीडबैक का यहां पे कोई भी रोल नहीं होता है। सो आपको ये एक चीज़ देखनी है कि इसको समेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं, या आपको प्रमोट करने के लिए होता है, आपको रैंक करने के लिए होता है, और आपकी टीचिंग के बिल्कुल एंड में ये असेसमेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसी को ही हम समेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं। समेटिव असेसमेंट भी सेम ही है कि आपके जो भी आप पढ़ रहे हो उसके एंड में किया जाता है, और ये डिटरमाइन करने के लिए बच्चों ने किस लेवल तक चीज़ों को समझा है, ठीक है, ये डिटरमाइन करने के लिए। इंक्लूड अ मार्क और ग्रेड अगेंस्ट, यानी कि एक मार्क से और ग्रेड बच्चों को दे दिया जाता है, कि बच्चे की ये पोजीशन है, बच्चे के इतने नंबर आए हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो ये क्या होता है, आपका समेटिव असेसमेंट होता है। यूज टू प्लान फ्यूचर लर्निंग गोल्स एंड पाथवेज फॉर स्टूडेंट, समेटिव असेसमेंट के बाद आपके क्या फ्यूचर में रोल्स होने वाले हैं, क्या आप आगे जाके करेंगे, आप 8th क्लास से 9th क्लास में प्रमोट हो जाएंगे, 9th से 10th में प्रमोट हो जाएंगे, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अचीवमेंट,
टू द वाइडर कम्युनिटी, आपने क्या कुछ अपने स्कूल में अपनी जो ग्रेड है उसमें सीखा है, उसमें आपके पेरेंट्स को भी बता दिया जाएगा, एजुकेटर को भी पता चल जाएगा, और स्टूडेंट खुद से भी या फिर आउटसाइड ग्रुप में भी आप ये सारी चीज़ें बस बता सकते हो, भाई आपका जो है एग्ज़ाम हुआ, एंड टर्म एग्ज़ाम हुआ, आपके कितने नंबर आए हैं, आपका क्या रैंक है, ये सभी आपके पेरेंट्स, आपके जो है टीचर, आपके फ्रेंड्स सभी यहाँ पे क्या जान सकते हैं, आपने क्या क्या आपके अंदर खामियाँ रही हैं, क्या आपके अंदर कमियाँ रही हैं, अब वो सुधारने का मौका यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये समेटिव असेसमेंट है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग था। अब बात करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग की। ये आप बस डायरेक्टली समझो, जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं ना, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान आपका जो असेसमेंट लिया जाता है वो आपका किस में आता है, वो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग में आता है। कि यानी कि मान लीजिए क्लास में टीचर ने एक पाठ पढ़ाया, एक लेसन पढ़ाया, ठीक है, और पढ़ाने के दौरान ही टीचर ने किसी भी स्टूडेंट को उठा के कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, अब बच्चे ने उसका जवाब दिया या फिर ना दिया, तो वो क्या हुआ, टीचर ने क्या किया, टीचिंग के दौरान ही अपने बच्चे का असेसमेंट कर लिया कि बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया है। तो ये क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है। जैसे आप टीचर ने कोई लेसन पढ़ाया और बोल दिया कल मैं इसका क्या लूँगा, टेस्ट लूँगा, ठीक है, अब ये टेस्ट क्या है, एक फॉर्मल टेस्ट है, मतलब टीचर के हाथ में है, टीचर कभी भी ले लेगा इस टेस्ट को, कल ले लूँगा, परसों ले लूँगा, आज नहीं तो तरसों ले लूँगा, ठीक है, तो ये क्या है उसका, मतलब ये समेटिव नहीं है, वो ऊपर से अथॉरिटी ने डिसाइड नहीं किया ये टेस्ट, तो टीचर जस्ट अपने स्टूडेंट को चेक करने के लिए कभी भी अगर कोई टेस्ट ले ले, कोई प्रोजेक्ट वगैरह बच्चे को दे दे, भाई इसको करके लाओ, ताकि बच्चों का पता चल जाए कि बच्चे कहाँ पे पिछड़ रहे हैं। तो ये सब किस में आता है, ये सब असेसमेंट फॉर लर्निंग में आता है, जिसके अंदर फीडबैक यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग में आते हैं, इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं, जिसको हम रचनात्मक आंकलन बोलते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जो आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान करते हैं, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम लोग करते हैं, ठीक है, शिक्षण अधिगम के प्रक्रिया के दौरान ये असेसमेंट किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। सो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है कि थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग आप पढ़ा रहे हैं उसी के दौरान आपने बच्चों से कुछ पूछ लिया, कोई टेस्ट ले लिया, तो वो सभी किस में आता है, वो इसमें आता है। इससे टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे अच्छे से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। इससे टीचर को हेल्प भी मिल जाती है कि भी मुझे और किस इफेक्टिव तरीके से बच्चे को पढ़ाना चाहिए, मैं कोई एग्जाम्पल से बच्चे को पढ़ा दूँ, क्योंकि बच्चे को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो टीचर को भी इससे काफ़ी हेल्प होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग से, ठीक है, इसलिए इसको बेस्ट यहां पे माना जाता है। इसके अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही चीजें इन्वॉल्व होती है, मतलब कि बच्चे की क्या भाई क्वांटिटेटिव यानी कि उसकी क्वांटिटी में तो इन्वॉल्व हो ही रहा है, बच्चे के यहाँ पे मार्क्स तो बढ़ेंगे ही, साथ ही बच्चों की जो इफेक्टिव लर्निंग है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि टीचर को यहाँ पे टाइम टू टाइम पता चल पा रहा है कि बच्चे कितना कर पा रहे हैं, तो टीचर और ज़्यादा ध्यान देगा ना बच्चे पे। तो यहाँ पे ये क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव डाटा भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ड्यूरिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग टीचर नो कि वेयर देयर स्टूडेंट्स आर इन टर्म्स ऑफ, अब इसके दौरान टीचर को पता चल जाता है कि उनके बच्चे लर्निंग के दौरान कहाँ पे है, उनकी प्रोग्रेस वो टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं, ठीक है। सभी स्टेज पे ये लर्निंग प्रोसेस पे हो सकता है। अल्टीमेट पर्पस क्या है असेसमेंट फॉर लर्निंग का, कि बच्चे क्या हो, सेल्फ रेगुलेटेड हो सके। अगर पढ़ाई के दौरान कोई भी टीचर अपने बच्चे को यहाँ पे असेस नहीं कर रहा है, असेसमेंट यहाँ पे नहीं ले रहा है, तो बच्चे कहीं ना कहीं क्या सोचेंगे कि टीचर कुछ टेस्ट वेस्ट तो लेता नहीं है, चलना क्या ही करेंगे पढ़ के, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे क्या नहीं होगा, बच्चा यहाँ पे सेल्फ रेगुलेटेड नहीं होगा। अगर टीचर टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, ड्यूरिंग एफए ले रहा है, टेस्ट वगैरह ले रहा है, तो बच्चा यहाँ पे रेगुलेटेड भी होगा। लर्नर जो है यहाँ पे अच्छे से चीज़ों को कॉन्फिडेंटली चीज़ों को यहाँ पे समझ पाएगा और अपनी जिंदगी में थ्रू आउट द लाइफ वो चीज़ों को सही से समझ पाएगा, ठीक है। इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है भाई, फॉर्मेटिव असेसमेंट वही होता है जो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग स्टूडेंट कोर्स के दौरान हम करते हैं, गाइड करने के लिए यूज़ होता है कि बच्चों को हम गाइड करते रहे, टीचर भी यहाँ पे गाइड होते हैं कि बच्चे कहाँ पे पिछड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये टीचर प्लस स्टूडेंट दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होता है। अकर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए यूनिट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। मे टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स नॉलेज एंड स्किल्स एज दे प्रोग्रेस थ्रू अ यूनिट ऑफ स्टडी, बच्चों की क्या नॉलेज है, क्या बच्चे ने स्किल अक्वायर करी है, और बच्चे कहाँ पे पिछड़ रहे हैं, कहाँ पे उनका प्रोग्रेस सही चल रहा है, सारी चीज़ें किस में पता चल जाती है, एफ ए में पता चल जाती है, ठीक है। जो यूनिट टेस्ट वगैरह हम लेते हैं एफ ए वन एफ ए टू, इसमें टीचर को पता चल जाता है ना, या ताकि बच्चे को किसके लिए, एस ए के लिए प्रिपेयर कर सके जो एंड टर्म में होगा, तो यहाँ पे बच्चा टीचर
टीचर ये देख लेता है भाई कितने नंबर का मार्क्स टेस्ट होएगा, बच्चे के अगर कम मार्क्स है तो मतलब बच्चा यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, वीक हो रहा है, तो टीचर और भी ज़्यादा ध्यान देगा बच्चे पे, तो कहीं ना कहीं किस में अफेक्टिव होगा, समेटिव असेसमेंट के दौरान बच्चे की जो लर्निंग है वो भी इंक्रीज होगी और बच्चे के जो मार्क्स है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग के, तो टीचर्स के लिए भी बेनिफिशियल है और स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो टीचर के लिए कैसे हैं, टीचर यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, अपनी टीचिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर बच्चों को जैसे उन्होंने उन टीचर को पता चल गया कि भी बच्चे के नंबर यहाँ पे कम आ रहे हैं, लेस आ रहे हैं, तो वो अपनी मॉडिफाई कर सकता है, जो भी उसका अधिगम है, जो भी उसका टीचिंग जो प्रोसेस है उसको चेंज कर सकता है, लर्निंग प्रोग्राम्स को सभी बच्चों के लिए वो चेंज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे टीचर के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। पिन पॉइंट स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स सो दैट बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स कैन बिल्ड ऑन देम, यहाँ पे स्टूडेंट्स को पिन पॉइंट यहाँ पे जो है मतलब ऐसे पिन पॉइंट नहीं किसी किसी बच्चे को बोल दिया कि तुम तो कम कर रहे हो, ऐसे पिन पॉइंट नहीं, यहाँ पे टीचर को ऐसे पता चल जाता है कि पर्टिकुलर बच्चा किस फील्ड में कहाँ पे क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स को कि जो लर्निंग नीड्स है इन अ क्लियर एंड कंस्ट्रक्टिव वेज, टीचर यहाँ पे क्लियरली जो आइडेंटिफाई कर सकता है कि बच्चों की क्या नीड्स है, बच्चों को अब क्या चाहिए, ठीक है। तो इन्वॉल्व पेरेंट्स इन देयर चिल्ड्रंस लर्निंग, और इसमें जो जो टीचर है वो पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, अगर बच्चे के अंदर समस्या आ रही है, बच्चा पढ़ाई में अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, ताकि पेरेंट्स भी जो है अपनी तरफ से पूरा 100% दे सके, ठीक है। तो और एफए जो है स्टूडेंट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है, एफए यहाँ पे स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, स्टूडेंट यहाँ पे सेल्फ रेगुलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि भाई टीचर टाइम टाइम यहाँ पे क्या पेपर वगैरह ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, तो बच्चा यहाँ पे और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग प्रोवाइड स्टूडेंट विद इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस सो दैट दे कैन प्लान एंड मैनेज द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे जो असेसमेंट हो रहा है वो जो इन्फॉर्मेशन बच्चे को मिल रही है वो उनसे वो क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा लर्निंग में, वो लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे उनको चीज़ों को इफेक्टिव तरीके से सीखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट एज लर्निंग यानी कि सीखने के रूप में आंकलन। अब इसमें क्या होता है, देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग था कि हम एंड में जो एग्ज़ाम ले रहे थे बच्चों का लर्निंग को चेक करने के लिए, और असेसमेंट फॉर लर्निंग था कि हम सीखने के लिए आंकलन कि हम ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग के दौरान जो बच्चों का टेस्ट ले रहे थे, ठीक है। लेकिन असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब होता है कि बच्चे आपस में ही एक दूसरे का असेसमेंट कर ले, ठीक है। कैसे, इट अकर्स व्हेन स्टूडेंट्स आर देन ओन एक्सेसर यानी कि बच्चे खुद से ही अपना असेसमेंट यहाँ पे कर लेते हैं। व्हेन दे मॉनिटर देयर ओन लर्निंग आस्क क्वेश्चंस एंड यूज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज यानी कि खुद से ही अपनी लर्निंग को मॉनिटर कर लेते हैं, खुद से ही खुद का असेसमेंट यहाँ पे बच्चे जो है कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होते हैं असेसमेंट एज लर्निंग के, एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके अपनी खुद की लर्निंग की, अगर बच्चा खुद से खुद को ही अगर एक्सेस कर पा रहा है, असेस कर पा रहा है, तो उस वो ऑब्वियसली बात है कि वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है अपनी लर्निंग के लिए, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहा है। इन्वॉल्व करता है टीचर एंड स्टूडेंट्स को इन क्रिएटिंग लर्निंग गोल्स ताकि वो एनकरेज कर सके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, जो बच्चे का वृद्धि और विकास है उसको वो क्या कर सके, एनकरेज कर सके। प्रोवाइड वेज फॉर स्टूडेंट्स टू यूज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फीडबैक, यहाँ पे बच्चे को मिलता है औपचारिक और अनौपचारिक जो फीडबैक है वो बच्चे को मिलता है, ताकि उनको नेक्स्ट स्टेप में जो लर्निंग का है उसको लेने में समस्या ना हो। एनकरेज करता है पीयर असेसमेंट को, पीयर असेसमेंट का मतलब क्या है कि आपस में ही फ्रेंड्स जो है जो क्लास में पढ़ रहे हैं एक दूसरे की जो है कॉपियां यहाँ पे खुद से चेक कर सकते हैं, खुद से असेसमेंट कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट खुद से खुद का भी असेसमेंट कर सकते हैं, एंड रिफ्लेक्शन कि बच्चे क्या कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ पे कमी है, ठीक है। अकर्स थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस, जो भी उनकी शिक्षण की प्रक्रिया है उसके दौरान ये असेसमेंट होता है। तो ये था आज की वीडियो में, आई होप आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आई होगी। आज हमने असेसमेंट को डिस्कस किया है, इवैल्यूएशन मेजरमेंट और असेसमेंट का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, केवीएस की प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। वीडियो को अगर पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और टीचिंग गोल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।